स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक विल बी डिस्कस अबाउट टेडोफाइटा। टेडोफाइटा, टेडोफाइटा नाम में होता है। बेसिकली टेडोफाइटा कैसे होता है? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा is known as pteridology. इसके साथ साथ जो होता है, टर्म pteridophyta was given by Phyta is given by Hector। इसके साथ साथ होता है, फर्स्ट इसके साथ जो देखा बेटे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि pteridophyta discovered फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। इट मीन्स वैस्कुलर जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। In xylem in xylem true vessels vessels are present। True vessels are absent. In phloem, companion cell, and sieve cell are present। ये एक टाइप का स्पेशल सेल होता है बेटा, जो बेसिकली जो वैस्कुलर प्लांट में पाए जाते हैं। मोस्टली अगर प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कंपेनियंस वेसल्स जो होता है एब्सेंट होते हैं जाइलम में, बट सीव सेल्स जो होता है यानी एक जिसे एक ड्रॉपलेट टाइप का ये सीव सेल जिसमें क्या होता है फिल्टर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छाली जैसा पार्ट होता है, वो सब पोरस बॉडी होता है, इसे सीव सेल्स कहते हैं। तो ये जो होता है इससे सेल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम में। इसके साथ ही साथ हमें होता है कि टेरिडोफाइट आर फर्स्ट सीडलेस एंड फ्लावरलेस प्लांट इन प्लांट किंगडम। ये जो होता है इसमें सीड और फ्रूट्स नहीं पाया जाता है, ये फर्स्ट इसमें बात होता है। इसके साथ ही साथ देखा था जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, म्यूस्पोर आर फाउंड इनसाइड द स्पोरेंजिया। अगर इसमें देखा था बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली प्लांट बॉडी कैसा होता है, प्लांट बॉडी थैलस लाइक
स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जो एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक और एपीफाइटिक, फाइटिक टाइप होता है। अब यहां पर देखा था अलग अलग कंडीशन होते हैं। अगर टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो इसमें आता है एडिएंटम, टेरेस्ट्रियल में एडिएंटम आ जाएगा, एडिएंटम। एक्वेटिक में एजोला आ जाएगा, एजोला, मार्सीलिया, सेल्विनिया, सेल्विनिया आता है। इसी के साथ एपिफाइटिक भी आता है, इसमें बहुत सारे इसमें इसका पाया जाता है एपिफाइटिक एल्गा। एडिएंटम, एडिएंटम में इसको देख लेते हैं, एडिएंटम, एडिएंटम। अब ऐसा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है बेटा, हमें होता है प्लांट बॉडी थैलस में होता है, ये एटेरेशियल, एक्वेटिक और जो एपिफाइटिक, मेजोफाइटिक, ये सभी प्रकार के इसमें पाया जाता है। इसके साथ ही साथ हमने बताया कि यह बेसिकली इसमें अगर देखा जाता है कि जो प्लांट बॉडी की जो लाइफ साइकिल होती है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट अगर देखा जाता है, प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होता है, फाइटिक होता है, स्पोरोफाइटिक होता है, स्पोर, स्पोर बियरिंग विद द हेल्प ऑफ लीफ अपेंडेजेस, लीफ अपेंडेजेस, अपेंडेजेस। ये जो होता है, जो बेसिकली ये जो होता है लीफ पर पाया जाता है, जिसे लीफ अपेंडेजेस कहते हैं, इसे कहते हैं लीफ अपेंडेजेस स्पोरोफिल। In the form of, in the form of sporophyll, sporophyll, ये sporophyll जो होता है कैसा होता है, ये spore bearing part होता है जो leaves पर पाया जाता है। अगर leaf पर देखा था basically इसमें कैसा होता है बेटा, leaf में अगर इसका plant body की बात करते हैं तो ये इस तरीके से पार्ट होता है लीफ में, और इसी के सरफेस पर ये इस तरीके से लीफ का स्पोरोफिल पाया जाता है। ये होता है लीफ का पार्ट होता है लीफ, और ये कैसा लीफ होता है, ये स्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल होता है, आगे हम इसको बताएंगे। तो ये स्पोरोफिल का पार्ट होता है, स्पोरोफिल जो होता है बेसिकली ये क्या करता है, स्पोरोफिल बियर्स, द स्पोर, और स्पोर विच डेवलप, डेवलप एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया आर बाइफ्लैजेट, एंथ्रीडिया आर बाइफ्लैजेट टाइप, बाइफ्लैजेट, मैच्योर होने के बाद ये क्या करता है, ये एंथ्रीडिया को डेवलप करता है, ये बाइफ्लैजेट होते हैं। इसके साथ साथ जो होता है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप अ
आर्जिगोनिया, आर्जिगोनिया, आर्जिगोनिया फ्लास से होता है इसमें, ये आर्जिगोनिया फ्लास से होता है। मैच्योर होने के बाद हमने बताया था कि ये जो होता है बेसिकली यहां पर नहीं होता है। एंथ्रिडिया क्या करता है, एंथ्रिडिया मैच्योर होने के बाद ये बाइफ्लेजेट होता है, एंथ्रोजॉइट को प्रोड्यूस करता है, और ये एंथ्रोजॉइट फिर आकर के क्या करता है, आर्जिगोनियम से फर्टिलाइज करता है। अब यहां पर देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है एंथ्रिडिया, एंथ्रिडिया फर्टिलाइज करने के साथ क्या होता है, ये जायगोट का फॉर्मेशन करता है। जायगोट के फॉर्मेशन के साथ ही साथ यह जायगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और एम्ब्रियो जो होता है बेसिकली यह स्पोरोफिटिक कैरेक्टर को डेवलप करने का कार्य करता है, स्पोरोफाइट को डेवलप करने का कार्य करता है। और इस तरीके से इसका जो देखा था आर्जिगोनिया यह एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, एक लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है After mature the Anthridia, Anthridia produce anthrozoite, anthrozoite, और ये anthrozoite कैसे होते हैं, ये बाइफ्लैजेट है, एंथ्रोजॉइट बाइफ्लैजेट होते हैं, एंथ्रोजॉइट बाइफ्लैजेट, विच सी एंड गोज टू आर्जिगोनियम, आर्जिगोनियम फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन जायगोट आर फॉर्म फॉर आप जायगोट फॉर एंड देन एम्ब्रियो एंड देन स्पोरोफिटिक, स्पोरो अल्टर हेटरोट्रॉफिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। ये जो होता है इसके यही लाइफ साइकिल का पार्ट होता है, अल्टरनेशन हेटरोट्रॉफिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट, जिसमें हम क्या करते हैं लाइफ साइकिल का भी एक पोजीशन होता है। अब यहां पर देखा जाता है मियोस्पोर, मियोस्पोर फॉर्म इनसाइड द स्पोरेंजिया, इन स्पोरोफिटिक कंडीशन, इन स्पोरोफाइट मियोस्पोर, मियोस्पोर कैसा होता है, मियोस्पोर प्रोड्यूस स्पोरेंजिया, मियोस्पोर क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है स्पोरेंजिया को प्रोड्यूस करता है, और स्पोरेंजिया एसोसिएट यह
स्पोरेंजिया एसोसिएट स्पोरोफिल, ये जो होता है अधिकतर क्या करता है, ये स्पोरोफिल को काज करने का इसमें करता है। अब यहां पर देखा जाता है स्पोरेंजियम डेवलपमेंट, अगर देखा जाता है ये टू टाइप्स के कंडीशन में होते हैं, ये सब इसका बेसिक इसमें था बेटा। अब यहां पर देखते हैं बेसिकली स्पोरेंजियम टू टाइप्स का होता है, स्पोरेंजिया टू टाइप्स के होते हैं, स्पोरेंजिया टू टाइप्स, स्पोरेंजिया टू टाइप्स का होता है। पहला जो होता है इसको देखा जाता है ये कैसा होता है, लेप्टो स्पोरेंजिया टाइप का होता है। लेप्टो स्पोरेंजिया टाइप का मतलब क्या होता है कि वेन स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम द सिंगल सुपरफिशियल सेल, वेन स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम द सिंगल सुपरफिशियल सेल, ऐसा जो स्पोरेंजिया होता है जो सिंगल फॉर्म में डेवलप होते हैं, सुपरफिशियली डेवलप होते हैं, उसे हम क्या करते हैं लेप्टो स्पोरेंजिया टाइप कर करते हैं। जैसे टेरिस हो गया, ड्राई टेरिस हो गया, एडियंटम हो गया, ये ऐसा होता है कैसा, इसे हम क्या कहते हैं लेप्टो स्पोरेंजिया टाइप कहते हैं। दूसरा होता है लेप्टो यू स्पोरेंजिया टाइप, इसमें जो होता है डेवलप ग्रुप ऑफ द सेल होता है। स्पोरेंजिया टू टाइप्स, स्पोरेंजिया टू टाइप्स पहला होता है इसमें लेप्टो स्पोरेंजिया टाइप एंड यू स्पोरेंजिया टाइप। पहला होता है लेप्टो स्पोरेंजिएट, लेप्टो स्पोरेंजिएट, लेप्टो स्पोरेंजिएट टाइप, ये क्या होता है इसमें हमें बताया लेप्टो स्पोरेंजिएट टाइप क्या होता है कि यह बेसिकली स्पोरेंजिया डेवलप लेप्टोस्पोरेंजिएट व्हेन डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल, सिंगल सेल व्हेन डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल इज नोन एज कैसा होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप, इज नोन एज लेप्टोस्पोरेंजिएट, लेप्टोस्पोरेंजिएट, जिसमें बेसिकली हमने बताया बेटा इसमें कैसा होता है जो सिंगल सेल के फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, सिंगल सेल दे आर डेवलप फ्रॉम द सिंगल सेल इज नोन एज लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। एग्जांपल टेरिस, ड्राइव टेरिस एंड एडियंटम, इसका एग्जांपल कैसा होता है टेरिस, टेरिस ड्राइव टेरिस, ड्राइव टेरिस एंड एडियंटम, एडियंटम। सेकेंड होता है यू स्पोरेंजिएट टाइप, यू स्पोरेंजिएट, यू स्पोरेंजिएट टाइप व्हेन डेवलप फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ द सेल, व्हेन डेवलप, ऐसे क्या होता है इसमें बेसिकली इसमें जो होता है डेवलप फ्रॉम व्हेन स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम ग्रुप ऑफ द सेल, ग्रुप ऑफ द सेल। इसमें जो होता है ग्रुप में होता है जो लेप्टो स्पोरेंजिएट होता है उसमें सिंगल सेल्स में स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं एंड यू स्पोरेंजिया होता है वो क्या होता है ये मोर देन वन सेल से डेवलप होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं यू स्पोरेंजिया कहते हैं। इसमें अगर बेसिकली का एग्जांपल होता है सिलेसिलेना एंड इक्विशिकम, एग्जांपल सिलेसिलेना एंड इक्विशिकम, इक्विशिकम सिलेसिलेना है इक्विशिकम,
ये हो गया बेटा इसका जो बेसिकली इसके जो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होते हैं। इसके साथ ही साथ देखते हैं जो मोस्टली जो होता है, हमने बताया कि जो फ्रैजिलेटेड होता है स्पोर्स फ्रैजिलेटेड कंडीशन में होता है, जो वाटर के फॉर्मेशन में स्विम करने में हेल्प करते हैं, स्विमिंग करते हैं। एम्ब्रियोजेनी की अगर बात करते हैं, टू टाइप्स का एम्ब्रियोजेनी होता है। एम्ब्रियोजेनी टू टाइप्स का होता है, एक्सोस्पोरिक होता है एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोजेनी एम्ब्रियोजेनी टू टाइप्स, एम्ब्रियोजेनी टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है एक्सोस्पोरिक, एक्सोस्पोरिक एक्सोस्पोरिक होते हैं। एक्सोस्पोरिक इटमीन्स क्या होता है कि इसमें बेसिकली एक्सिस, इसमें जो एम्ब्रियो होता है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आर्किगोनियल नेक। ये आर्किगोनियल डायरेक्ट कैसा होता है, ये डायरेक्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द आर्किगोनियल नेक होते हैं एक्सोस्पोरिक। और जो एक होता है एंडोस्पोरिक होता है, डायरेक्टेड इनवर्ड्स द टुवर्ड्स द वेंट्रल होते हैं एक्सोस्पोरिक। इसमें क्या होता है आर्किगोनिया डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डायरेक्टेड डायरेक्टेड टुवर्ड्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स आर्किगोनियल नेक, आर्किगोनियल नेक। ये जो होते हैं आर्किगोनियल नेक की तरफ डाइवर्ट होते हैं आर्किगोनियल नेक। इतने से अगर देखा था जो स्टूडेंट जो होता है ये आर्किगोनिया, आर्किगोनिया कैसा होता है क्लास के सेप में होता है, ये होता है इसमें ये नेक सेल होता है, ये वेंट्रल सेल होता है, ये नेक सेल होता है। तो इसमें जो होता है स्पोरेंजिया बेसिकली क्या होता है आर्किगोनिया नेक के साइड में जो आते हैं, ये फ्लैजेलेटेड होता है, फ्लैजेलेटेड नेक के सरफेस में जो होता है फ्लैजेला होता है, ये एंथ्रोजॉइड, एंथ्रोजॉइड होता है, ये फ्लास्क होता है आर्किगोनिया। तो ये टुवर्ड जो होता है एंथ्रोजॉइड नेक के साइड में होता है उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सोस्पोरिक कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सोस्पोरिक, इसे कहते हैं एक्सोस्पोरिक कहते हैं। ये बेसिकली किसमें पाया जाता है, एक्सोस्पोरिक जो होता है ये इक्विस्टिकम में पाया जाता है, एग्जांपल होता है इक्विस्टिकम, इक्विस्टिकम। दूसरा होता है एंडोस्पोरिक होता है, दूसरा कह लेते हैं एंडोस्पोरिक होता है। एंडोस्पोरिक में एक्सिस एम्ब्रियो डायरेक्टेड टुवर्ड द वेंट्रल, दूसरा होता है एंडोस्पोरिक, एंडोस्पोरिक। सेकेंड होता है इंडोस्पोरिक, एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो towards the directed directed towards the वेंटर। एक होता है एक्सोस्पोरिक में कैसा होता है डायरेक्टेड टुवर्ड द आर्किगोनियल नेक, इसमें क्या होता है डायरेक्टेड टुवर्ड द वेंटर्स होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड द वेंटर। जैसे इसमें एग्जांपल होगा सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला का इसका पार्ट होता है ये। अब इसमें देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसा होता है, होलोब्लास्टिक होता है, होलोब्लास्टिक। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट
ऑफ एम्ब्रियो होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक होता ये होलोब्लास्टिक टाइप का होता है। होलोब्लास्टिक इट मीन्स क्या होता है बेटा, व्हेन द एंटायर जायगोट इन आवर अराइवल पॉइंट इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंटायर डेवलप्ड जायगोट होता है अराइवल फ्रॉम द होलोब्लास्टिक, सभी जो पूरा जायगोट होता है कंप्लीटली किसके अंदर डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है जो कंप्लीटली जो जायगोट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के में क्या होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डायरेक्टेड टुवर्ड्स होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम होलोब्लास्टिक कहते हैं। होलोब्लास्टिक फुल जो होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो होता है फुल बॉडी का होता है इन्वॉल्व हो जाता है, फुल बॉडी में इन्वॉल्व हो जाता है। एंटायर जायगोट सभी इसमें क्या होते हैं डेवलपिंग डेवलपिंग इन एम्ब्रियो फॉर्मेशन। एम्ब्रियो फॉर्मेशन में क्या करते हैं इन्वॉल्व होता है, इसे क्या कहते हैं होलोब्लास्टिक कह सकते हैं। अब ये इसका हो गया, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर में होते हैं। इसके अलावा जो होता है कुछ और देख लेते हैं बेटा, इसमें टेडोफाइट्स को क्या कहते हैं, टेडोफाइट्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ फर्न्स होता है। टेडोफाइट्स को अगर देखा जाता है ये ग्रुप ऑफ फर्न होता है टेडोफाइट्स। टेडोफाइट्स इज नोन एज ग्रुप ऑफ फर्न, इसे हम क्या कहते हैं ग्रुप ऑफ फर्न कह सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे इसका जो पार्ट होता है एक्वाटिक ग्रैफाइट्स, हमने बताया था पहले ही बता दिया था कि एक्वाटिक कौन हो सकते हैं, एक्वाटिक फर्न में अगर देखा था एक्वाटिक ग्रैफाइट्स फाइट्स एएसएम एजोला एजोला सेल्विनिया सेल्विनिया और हो गया मार्सिलिया, ये जो होता है कैसा होता है एक्वाटिक नेचर का होता है एक्वाटिक नेचर। इसके साथ साथ दो चीज और देख लेते हैं बेटा, इसमें दो पॉइंट छोड़ दिया था, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स जो होता है स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स स्मॉलेस्ट टेडोफाइट्स क्या होते हैं स्मॉलेस्ट टेडोफाइट्स एजोला। एजोला जो होता है बेटा ये बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये एसोसिएशन होता साइनोबैक्टीरिया का, एजोला एजोला इज यूज इन बायो फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर विकास इट्स एसोसिएशन
एसोसिएशन ऑफ साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये बायो फर्टिलाइजर में यूटिलाइज करता है। ये कैसा होता है? एजोला एक्वाटिक फर्न, एजोला कैसा होता है? एक्वाटिक फर्न होता है, एक्वाटिक लाइफ, ये एक्वाटिक होता है, एक्वाटिक, एक्वाटिक होता है, एजोला एक्वाटिक होता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा तो बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दूसरा, एलोसोफिया इज द टॉलेस्ट केटोफाइट, एलोसोफिया, एलोसोफिया इज टॉलेस्ट, टॉलेस्ट केटोफाइट, एलोसोफिया कैसा होता है? टॉलेस्ट टेडोफाइट्स होता है। इसके साथ ही साथ हमें जो कह सकते हैं एलोसोफिया टॉलेस्ट टेडोफाइट्स एंड साइथिया इज नोन एज ट्री फॉर, साइथिया, साइथिया इज नोन एज ट्री फॉर्म, साइथिया को हम ट्री फॉर्म्स कह सकते हैं, ट्री फॉर्म। सेल्विया इज द रूटलेस एक्वाटिक फर्न, सेल्विया, सेल्विया को क्या कर सकते हैं? इसको रूटलेस एक्वाटिक फर्न कर सकते हैं, सेल्विया, सेल्विया इज रूटलेस एक्वाटिक फर्न, एक्वाटिक फर्न, सेल्विया कैसा होता है? रूटलेस एक्वाटिक फर्न होता है। इसके साथ ही साथ बेसिकली जो होता है कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन, जो कॉमन फर्न्स होते हैं उसके नाम लिख लेते हैं, बेसिकली इंपॉर्टेंट फर्न्स होते हैं जैसे लाइकोपोडियम, इसमें देखते हैं बेटा सम इंपॉर्टेंट फर्न, सम इंपॉर्टेंट फर्न्स, सम इंपॉर्टेंट फर्न्स, लाइकोपोडियम को लार्ज क्लब मास कहते हैं, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम एक कैसा होता है? लार्ज क्लब मास होता है, लार्ज क्लब मास, इसे लार्ज क्लब मास के नाम से जानते हैं। ये दो फाइट्स है बट यहाँ पर नाम है मास में, उसमें है इसे कंफ्यूज मत होइएगा, या स्पाइक मास भी कहते हैं, स्पाइक मास, स्पाइक मास, दोनों नाम से पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ होता सेकेंड सिलेजनेला को स्मॉल क्लब मास बोलते हैं, सिलेजनेला, सिलेजनेला स्मॉल क्लब मास, स्मॉल क्लब मास बोलते हैं, ये स्मॉल सिलेजनेला इंपॉर्टेंट होता है बेटा। ये कैसा होता है? ये भी एक्वाटिक नेचर का होता है, इसे लिटिल स्मॉल क्लब मास बोलते हैं या लिटिल क्लब मास बोलते हैं, लिटिल, लिटिल क्लब मास, स्मॉल क्लब मास और लिटिल क्लब मास। नेक्स्ट होता है एडियंटम, वॉकिंग फर्न बोलते हैं, एडियंटम को क्या कहते हैं? एडियंटम को वॉकिंग फर्न, एडियंटम, वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न, ये बेटा अगर रिवर बैंक साइड में या जो एक्वाटिक है उसमें होता है, उसके सामने अगर देखा तो बहुत तेजी के साथ उसमें फैले होते हैं, बहुत तेजी के साथ इसका ग्रोथ होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक्वाटिक वॉकिंग फर्न बोलते हैं, वॉकिंग फर्न। इसके साथ साथ बोलते हैं ऑफियोग्लॉसम को एडर्स टंग कहते हैं, ऑफियोग्लॉसम,
ऑफ योर ग्लासम ऑफ योर ग्लासम एडर्स टंग कहते हैं एडर्स टंग एडर्स टंग या स्नेक टंग भी कह सकते हैं इसे स्नेक टंग स्नेक टंग या एडर्स टंग ये इसका जो होता है बेसिकली जो हॉर्न होता है बाइलोड कंडीशन में इसका फैला होता है इसलिए एडर्स टंग या स्नेक टंग बोलते हैं। इसके साथ होता है ऑनसीजियम गोल्डन फॉर ऑनसीजियम ऑनसीजियम जो होता है ऑनसीजियम इसे कहते हैं गोल्डन टर्ब गोल्डन गोल्डन फर्न बोलते हैं गोल्डन फर्न ये गोल्डन फर्न होता है। इसके साथ साथ बोलते हैं देखते हैं ऑस्मुंडा को हम रॉयल फर्न बोलते हैं ऑस्मुंडा ऑस्मुंडा जो होता है बेटा इसे बोलते हैं रॉयल फर्न बोलते हैं रॉयल फर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्न होता है इसका। इसके साथ सिलोशियम जो होता है वीक फर्न सिलोशियम जो होता है वीक फर्न होता है। इसके साथ सेल्विनिया सेल्विनिया जो होता है सारो ऑफ कश्मीर बोलते हैं बेटा इसे सारो ऑफ कश्मीर सारो ऑफ कश्मीर सारो ऑफ कश्मीर बोलते हैं सेल्विनिया ये बेटा इसको सारो ऑफ कश्मीर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो होता है जो मैक्सिमम जो लीफ वाला पार्ट होता है अपर होता है बहुत ऊपर के साइड में और जो रूट का पार्ट होता है वो कैसा होता है वो लोअर सरफेस पर होता है लोअर सरफेस में इसमें लीफ पार्ट ओवर द वाटर एंड रूट पार्ट अंडर द वाटर वाटर होता है तो इसे हम कह सकते हैं इसे सारो ऑफ कश्मीर बोलते हैं सारो ऑफ कश्मीर। ये बेटा हो गया इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है ये टेडोफाइट्स का होता है टेडोफाइट्स में। अब इसके साथ साथ हम लोग जो इसका नेक्स्ट इसका हम लोग स्टडी करेंगे बेसिकली जो दूसरा हम लोग एक और इसको नोट कर लीजिए राइनिया जो होता है फॉसिल टेडोफाइट्स होता है राइनिया एक और नोट कर लीजिए राइनिया इसको किया था राइनिया राइनिया को हम बोलते हैं फॉसिल्स टेडोफाइट ये बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में भी आया कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेसिकली जो होता है ये सारे अभी तक हम लोग जो पढ़े थे ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। अब इसके बाद जो हम लोग आगे इसका हम लोग और आगे डिटेल इसको पढ़ते हैं तो आप लोग सर बेटा ध्यान से पढ़िएगा और प्रॉपर इसका नोट्स बनाते जाइए जो डाउट होता है उसको आप लोग इसको इनबॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए। तो आज बेटा टेडोफाइट है ध्यान से पढ़िएगा इसको लर्न करिएगा। थैंक यू बेटा।